अयोध्या में क्या पकता है हमें लेना देना नहीं, हम नहीं खाएंगे उसे, उधर पकने दे, हमें लेना देना नहीं उसे। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है, यहाँ के लोगों के व्यवसाय है, बिजनेसेस है, उस पर रोक टोक करना कई गरीबों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हाथ पे पेट रहता है। तो या तो यार ये वीक में, ये सप्ताह में, या तो अगले वीक में 17 तारीख के पहले ये फैसला तो आना ही आना है। 17 तारीख का महत्व क्या है आप सब जानते हो, हमारे सीजे साहब रिटायर हो रहे हैं और जाने के पहले फैसला तो सुना कर ही जाएंगे, इसलिए डेडलाइन भी हमें मालूम है। तो आज मैं यहाँ पर शाबाशी देने के लिए और ये फंक्शन के लिए, जहाँ पर मेरे कुछ महकमे के नुमाइंदे भी यहाँ है जिनको अवार्ड दी जा रही है, उनके लिए, इब्राहिम ताई साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो जब कुछ कहते हैं मैं कर देता हूँ, जो सही कहते हैं तब जरूर करता हूँ और यकीन है कि सही ही चीज कहेंगे, इसके लिए भी आया था। और ये दूसरी भी बात है कि सभी से मिलना होता है, जो पुलिस को कहना है वो पूरे समाज तक पहुंचाया भी जा सकता है, और हज हाउस से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी, ये सही जगह है, इसलिए यहाँ आया था। और जब कभी समाज के कार्यक्रम के लिए, सिर्फ जो कोई कार्यक्रम होता है साहब, आप भी, जिससे समाज जुड़ता है उसमें पुलिस वाले हमेशा आएंगे, क्योंकि जोड़ने वाले नहीं, तोड़ने वाले नहीं। ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, खुद को सीमित रखूंगा और इतना ही कहूंगा कि मुंबई सिटी बड़ी सेफ रहेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, और एक मिसाल कायम करेंगे हम लोग कि मुंबई अलग है। अयोध्या में क्या पकता है हमें लेना देना नहीं, हम नहीं खाएंगे उसे, उधर पकने दे, हमें लेना देना नहीं उसे। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है, यहाँ के लोगों के व्यवसाय है, बिजनेसेस है, उस पर रोक टोक करना कई गरीबों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हाथ पे पेट रहता है, हर एक ऊपर से वो लक लेके नहीं आता कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है, अपने शहर का ख्याल रखना है, हम जरूर रखेंगे, पुलिस आपके साथ रहेगी, इतना ही कहता हूँ, आपसे विदा करता हूँ। जय हिंद।